ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कमोडिटी सुपर फास्ट में शुरू कर लेते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की, और सबसे पहले बात करते हैं सोने और चांदी की, जहां आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स गोल्ड की बात करें तो 48,000 के आसपास अभी एमसीएक्स गोल्ड कारोबार कर रहा है और बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार। भी देखिए सिर्फ एक रुपए ऊपर एमसीएक्स गोल्ड है। वहीं चांदी की बात करें तो 69,000 के बेहद करीब चांदी भी कारोबार कर रही है। यहां भी अब रेंज में ही कारोबार होता दिख रहा है। कॉमिक्स गोल्ड $1,865 के आसपास और चांदी $27 के आसपास कॉमिक्स पर ट्रेड कर रही है। दूसरी खबर है गोल्ड इंपोर्ट को लेकर, जो जनवरी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी रोबस्ट है और 72% इंपोर्ट, गोल्ड इंपोर्ट जनवरी के महीने में बढ़ गया है, जो जनवरी में 62 टन गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है। वहीं पिछले साल 2020 के जनवरी में 36 टन ही गोल्ड का इंपोर्ट हुआ था। यानी धीरे धीरे अब गोल्ड इंपोर्ट में बढ़ोतरी आई थी। पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से गोल्ड इंपोर्ट में एक स्थिरता आ गई थी और गोल्ड इंपोर्ट होने काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर रिकवरी आती दिख रही है और बेस कम होने की वजह से भी ये तेज उछाल देखने को मिल रहा है। तीसरी खबर कच्चे तेल को लेकर है, जहां पर आज दबाव दिख रहा है। कई दिनों से लगातार यहां पर तेजी दिख रही थी और हमने सिर्फ 2021 में ही 16-17% का उछाल कच्चे तेल में अब तक देख चुके हैं और आज लेकिन ब्रेंट क्रूड $61 के आसपास है, करीब करीब 1% नीचे है। और एमसीएक्स क्रूड देखिए, वहां भी 4,250 के आसपास करीब करीब 1% की कमजोरी एमसीएक्स क्रूड में भी देखने को मिल रही है। तीसरी और चौथी खबर है नेचुरल गैस को लेकर, एनर्जी पैक से ही, जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 217 के ऊपर बना हुआ है, 217 के बेहद करीब है। अभी देखिए 2.5% की तेजी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 2-2.5% की मजबूती यहां पर दिख रही है। और जो खबर है वो ये है कि एलएनजी एक्सपोर्ट में लगातार तेजी है और यहां से उसको सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही सरप्लस स्टॉक भी कम होने से कीमतों में ये तेजी देखने को मिली है। पांचवी और आखिरी खबर है एग्री मार्केट को लेकर, सोयाबीन को लेकर है। सोयाबीन कीमतों पर आज शुरुआती कारोबार से ही दबाव दिख रहा है। अभी देखिए 4,740 के नीचे सोयाबीन का वायदा कारोबार कर रहा है, करीब करीब 0.25% की कमजोरी यहां पर हम सोयाबीन के वायदा में दिख रहे हैं। और खबर ये है कि स्टॉक अब अनुमान से ज़्यादा रहने की संभावना है, इस खबर से यहाँ पर दबाव बना है। साथ ही ब्राज़ील से जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक एग्री वहाँ जो बुआई है सोयाबीन की, वो सोइंग एरिया है वो बढ़ने की खबर है, उसका भी दबाव यहाँ पर सोयाबीन की कीमतों पर देखने को मिला है। तो चलिए, तो बात हुई पांच बड़ी खबरों की कम्युनिटी सुपरफास्ट में, लेकिन आज के पांच बड़े ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं जहां आपको ट्रेड करना चाहिए, यह बताने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मसिंह हैं मोतीलाल ओसवाल से। जिगर स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे बुलियन मार्केट पर ही राय जानना चाहूंगा, गोल्ड पर बताइए, काफी रेंज में कारोबार आज दिख रहा है, 48,000 के आसपास है, क्या ये अभी एंट्री का बेहतर मौका है और कैसे करना चाहिए, किन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए? जी हाँ, हमने देखा है कि पिछले दो दिनों में गोल्ड में काफ़ी एक वॉलेटाइल सेशन देखा है, एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि आगे जाते हुए गोल्ड में एक अच्छे पॉसिबल है कि पॉजिटिव मोमेंटम दोबारा से स्टार्ट होगा और अभी जो रिसेंट गिरावट है वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा बाइंग के लिए। फिलहाल की जो गिरावट है वो मुझे लगता है कि स्पेशली हमने देखा कि यूएस डॉलर इंडेक्स में जो निचले स्तरों से एक रिकवरी आती हुई दिखी थी उसका एक फैक्टर था। कल जो यूएस के कोर सीपीआई के इन्फ्लेशन डेटा थे वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं गोल्ड प्राइसेस के लिए, जिसकी वजह से गोल्ड में एक थोड़ा करेक्शन आता हुआ दिखा था। हालांकि ये जो करेक्शंस है ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, बिकॉज लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव अभी भी गोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो जो भी निचले स्तर आते हैं वो गोल्ड के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेंगे बाइंग के लिए। तो आज के सेशन में भी मैं सजेस्ट करूंगा कि 47,900 के लेवल्स बेटर एंट्री लेवल्स रहेंगे बाइंग के लिए। 47,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और 48,300 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं हम आज के सेशन में। ओके, यानी गोल्ड को यहाँ से 100 रुपये नीचे आ जाए, 47,900 का लेवल दिखे तो आप खरीद लें, 48,300 का टारगेट रखें, 47,700 का स्टॉप लॉस लगा लें। सर चांदी में क्या करें, चांदी भी खरीद कर ही जाएं? जी हाँ, हमने देखा है कि चांदी में भी गोल्ड के साथ थोड़ी सी गिरावट आई है। मुझे लगता है कि सिल्वर में भी ओवरऑल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर से बनेगी, बट जस्ट लाइक गोल्ड में सिल्वर में भी करंट लेवल्स पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डाउनसाइड मिल सकता है जो बेटर लेवल्स रहेंगे, तो 68,750 ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा, उस लेवल पर सिल्वर को खरीद कर सकते हैं। 68,300 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और अपसाइड में 69,500 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। यानी चांदी यहाँ से अगर थोड़ी और गिरावट आ जाए 250 रुपये की, तब आप एंट्री करें और 69,500 का लेवल ध्यान में रखें, ये टारगेट है, और 68,300 का स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूले। तीसरी सर ये क्रूड को लेकर, क्रूड कीमतों पर आज दबाव दिख रहा है, क्या करना चाहिए क्रूड पर?
हमने देखा है कि क्रूड में एक काफी अच्छी रैली थी, सस्टेंड रैली थी, बट कल के बाद से हमने देखा है कि क्रूड में थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आता हुआ दिखा है। बट मुझे लगता है कि ये एक मामूली सा प्रॉफिट बुकिंग है और बहुत ज्यादा गिरावट में क्रूड में नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज हमने कल देखा था कि इन्वेंटरीज के भी जो लेवल्स है वो ड्रॉडाउन आया था इन्वेंटरीज में। दूसरी तरफ ओपेक प्लस की तरफ से भी क्रूड में जो है कि प्रोडक्शन कट्स है फेब्रुवरी और मार्च मंथ्स के लिए, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट्स को लोअर एंड्स पे काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा और प्राइजेस में दोबारा एक रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है। तो क्रूड में मुझे लगता है कि 40 to 40 के लेवल से एक बेटर एंट्री लेवल रहेंगे बाइंग के लिए। 4200 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 4325 तक के लिए इंट्राडे टारगेट्स मिल सकते हैं। यानी क्रूड भी खरीद कर ही जाना है, 4240 के लेवल पे आपको एंट्री करनी है, 4325 का टारगेट है, 4200 का स्टॉप लॉस आपको क्रूड में लगाना है। सर बेस मेटल्स में जिंक और कॉपर, कॉपर सबसे पहले बताइए क्या टारगेट है आज के लिए? जी कॉपर में मुझे लगता है कि हमने काफ़ी अच्छी रैली देख चुके हैं, बट मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म टॉप बन सकता है और कहीं ना कहीं एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हम कॉपर में आते हुए देख सकते हैं बिल्कुल ही इंट्राडे के परस्पेक्टिव से। मेजर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है बिकॉज रिस्पॉन्स सेंटिमेंट्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, फर्दर से फर्दर स्टिमुलस आने की बातें चल रही है, तो ये मेजर ट्रेंड के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। बट जो रिसेंट हमने रनअप देखा है कॉपर में तकरीबन 600 से 640 तक का, वो मुझे लगता है कि काफ़ी अब ओवरबॉट जोन में है, तो एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग का मूव रहेगा। तो कॉपर में मुझे लगता है कि 638 के लेवल्स अच्छे रहेंगे सेलिंग के लिए, एक 641 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 632 तक के लिए प्योरली इंट्राडे बेसिस के लिए टारगेट्स लेके चल सकते हैं। ओके, यानी कॉपर आपको बेच के जाना है 632 के टारगेट के लिए, 641 रुपए का स्टॉप लगा ले, छोटा टारगेट है इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। सर जिंक आखिरी कॉल आपकी, जिंक में क्या करें आज? मुझे लगता है कि कॉपर की तरह जिंक में भी एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो जिंक भी बिल्कुल ही इंट्राडे के परस्पेक्टिव से बेच के चलना होगा। 219 का लेवल्स बिल्कुल सही रहेगा आज के सेशन में सेलिंग के लिए, 220.50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 216 तक के इंट्राडे टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, यानी जिंक को बेचना है 219 के लेवल पे, 216 का टारगेट है, 220 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूले। तो चलिए बात हुई पांच बड़ी खबरें और पांच बड़े कॉल्स के, शुक्रिया जिगर इन तमाम ट्रेडिंग कॉल्स को दर्शकों को बताने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो कमोडिटी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।